दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली दहवारा की बहुत ही आसान रेसिपी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आपका दहवारा भी इतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो दोस्तों दहवारा की रेसिपी शेयर करने के लिए मुझे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था, MD रफ़ी अंसारी ने। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दहवारा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने आज इस रेसिपी को बनाया है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हम उड़द दाल को 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगोकर छोड़ देंगे और अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्च, मिर्च की क्वांटिटी का बढ़ाया घटा भी सकते हैं, 3-4 टुकड़ा अदरक का। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों से इसे अच्छे से मथना है, 5 मिनट तक हाथों से हम इसे इस तरह से मथेंगे, अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। दाल को इस तरह मथने से दही वड़े का बड़ा सॉफ्ट बनता है। तो चलिए अब हम इसके बड़े बनाएंगे। तो इस तरह थोड़ा सा हम हाथ में थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से इसे फैलाएंगे और इसे हम गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने पहले से गरम किया हुआ था, अब तेल में एक एक करके इस तरह से हम बड़े को डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, अब सारे बड़े को हम इस तरह से पलट देंगे। सारे बड़े को इसी तरह पलट पलट कर इसके दोनों साइड को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इस तरह से हर 10-20 सेकेंड पर इसे हम पलटते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो बड़ा फ्राई हो चुका है। और अब हम इसे तेल से छानकर बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें इसमें इतना डालना है जितने में ये अच्छे से डिप हो जाए। तो इसे पानी में हम 1 घंटे के लिए डिप कर छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद अब एक बड़े बर्तन में हम लेंगे 250 ग्राम दही और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच पानी हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दही रेडी हो चुका है और अब हम बड़े को पानी से बाहर निकालेंगे। तो एक एक बड़े को इस तरह हाथों से दबा कर इसके अंदर का जितना भी पानी है उसे हम इस तरह हाथों से दबा कर निकाल देंगे। इसी तरह से सारे बड़े के अंदर से हम पानी को अच्छी तरह से दाब कर निकाल देंगे और इसी तरह से सारे बड़े के अंदर से पानी हम निकाल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसे दही में डिप करेंगे। सारे बड़े को दही में डाल देना है। दोस्तों दही वड़ा बनाना थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, टेस्टी और सॉफ्ट दही वड़ा बनाना। सारे बड़े को हम दही में डिप कर देंगे और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो साबुत जीरा और साबुत धनिया को भी रोस्ट करके और उसे आप ग्राइंड कर सकते हैं। बस हल्का सा इसे हमें 10 सेकंड के लिए रोस्ट करना है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। तो दही वड़े का मसाला बनकर तैयार है और अब हम दही वड़ा रेडी करेंगे। तो एक कटोरी में हम 2-4 वड़ा निकाल लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से दही को स्प्रेड करेंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरी तीखी चटनी और अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही वड़ा मसाला। मसाले को इस तरह ऊपर से अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और अब हम इस पर डालेंगे इमली की मीठी चटनी। आप चाहें तो इसके ऊपर टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। तो दही वड़ा बनकर तैयार है, सॉफ्ट और यमी टेस्टी दही वड़ा मिनटों में बनकर तैयार है। देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इजी टेस्टी रेसिपी की वीडियो लेकर आती रहूँ। जल्दी मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।